फिलहाल बड़गाम में खड़े होके मैं ज़रूर बड़गाम के वोटरों का शुक्रिया करना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को पिछले 5 साल से ख़त्म करने की मुकम्मल कोशिश की गई थी। अल्लाह का फजल है कि जो हमें ख़त्म करने के लिए आए थे मैदान में, वो खुद ही मतलब उनका कोई नामो निशान नहीं रहा। मैं अभी फिलहाल पूरे जम्मू कश्मीर के हवाले से बात नहीं करूंगा, क्योंकि कई सारी सीटें हैं जिनके नतीजे आना अभी बाकी हैं। लेकिन फिलहाल बड़गाम में खड़े होके मैं ज़रूर बड़गाम के वोटरों का शुक्रिया करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे अपने कीमती वोटों से नवाजा, मुझे यहां से कामयाब होके भेजा और मुझे जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करने का दोबारा एक मौका जो है हासिल हुआ है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को पिछले 5 साल से ख़त्म करने की मुकम्मल कोशिश की गई थी। यहाँ बहुत सी ऐसी तंजीमें खड़ी की गई जिनका मकसद था नेशनल कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करना, लेकिन अल्लाह का फजल है कि जो हमें ख़त्म करने के लिए आए थे मैदान में, वो खुद ही मतलब उनका कोई नामो निशान नहीं रहा। लेकिन हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने काम के ज़रिए अपने आप को इन वोटों के काबिल और लायक समझें, जो कि अगले 5 साल के लिए हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी। जी ने कांग्रेचुलेट किया है, आपको बधाई दी है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को नई सरकार के लिए। अब हम उनके मुबारकबाद के पैगाम का शुक्रिया करते हैं और क्या कर सकते हैं ना? नए मुख्यमंत्री से मैं बात कर रहा हूं। अमर साहब